नमस्कार दोस्तों, इस समय देश में बल्कि यूपी में दो चीज़ें बहुत ही जोरों शोरों से चल रही हैं। एक ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी जो आप सबने सुन रखी है, और दूसरी इस समय जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रही है वो है पाकिस्तान से आई सीमा गुलाम हैदर, जो भारत के नोएडा के रहने वाले सचिन ठाकुर के प्यार में पड़कर पाकिस्तान से भारत आ गई हैं, और वो भी अपने चार बच्चों के साथ। सीमा हैदर और सचिन ठाकुर की प्रेम कहानी के बारे में हर कोई जानने की उत्सुकता रख रहा है। पाकिस्तान से भागकर आई सीमा की प्यार भरी कहानियों ने किसी का दिल जीत लिया है तो कोई उसे जासूस बता रहा है। लोगों का कहना है कि सीमा को जल्द ही पाकिस्तान भेजा जाए, वरना ये देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वहीं सीमा हैदर कहती है कि अगर उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया तो वहां पर उनके हाथ पैर काट दिए जाएंगे, वो पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। जांच करने पर पुलिस को सीमा के पास 3 सिम कार्ड, 4 स्मार्टफोन और 5 पासपोर्ट भी मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने फिलहाल जब्त कर लिया है। लेकिन हमें ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि वो जिस देश से भारत आई है उसने हमें कभी भी प्यार भरा पैगाम नहीं भेजा है, उस देश से हमारे कभी भी कोई अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। सीमा हैदर बताती हैं कि वह केवल 5वीं तक पढ़ी हैं, लेकिन इसके बाद भी वह फर्राटेदार हिंदी बोलती हैं और इंग्लिश के भी कई शब्द उन्होंने बीच बीच में बोले हैं। जबकि वो एक मुस्लिम देश से आई हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके जबान पर उर्दू बिल्कुल भी नहीं आती। उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि वह कोई मुस्लिम महिला है। इतनी अच्छी हिंदी बोलना और तुरंत हिंदू धर्म के रहन सहन में खुद को ढाल लेना, इसमें सीमा हैदर पर संदेह करना बिल्कुल जायज है। जहां सीमा बताती है कि वह केवल 5वीं तक पढ़ी है, पर क्या 5वीं तक पढ़ी महिला एक देश से दूसरे देश बिना वीजा के कैसे आ सकती है, और वो भी इनडायरेक्टली, यानी कि पाकिस्तान से सीमा पहले दुबई गई, दुबई से नेपाल आई और नेपाल से फिर सीधे भारत आ गई। 5वीं पास किसी भी महिला के लिए ये सब करना, और वो भी अकेले करना, बहुत ही मुश्किल होगा। वो तो अच्छा हो उस वकील का जिसे सीमा और सचिन ने कोर्ट मैरिज के लिए हायर किया था, लेकिन उसने साइन कराने से पहले पुलिस को बता दिया कि एक महिला पाकिस्तान से भारत आई है शादी करने के लिए। सीमा बताती है कि उन्होंने अपने गहनों को गिरवी रखकर अपने पति को विदेश भेजा था और अपने पति के भेजे हुए पैसों से पाकिस्तान में एक घर खरीदा था। 12 लाख रुपए में उन्होंने उस घर को बेच दिया और उसी पैसों का इस्तेमाल करके अपने बच्चों के साथ वह भारत आई है। एक तरह से देखा जाए तो सीमा और सचिन की शादी पूरी तरह से इल्लीगल है, क्योंकि अपने पति को तलाक दिए बगैर ही सीमा भारत में आकर सचिन से शादी कर लेती हैं। अगर उन्हें सचिन ठाकुर से सच में सच्चा प्यार होता तो वो अपने पति को तलाक देकर और पाकिस्तान से भारत वीजा बनवा कर लीगल तरीके से आती, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। पाकिस्तान से भारत वो अवैध तरीके से आई है, जिसके कारण उन्होंने बाकी घुसपैठियों को भी भारत आने का रास्ता खोल दिया है। सीमा से जब भी मीडिया कोई सवाल करती है तो सीमा पूरे आत्मविश्वास से और चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कान लिए सारे सवालों के जवाब देती हैं। एक 5वीं पास महिला का इतना कॉन्फिडेंट होना, और जबकि उतना अच्छा उसका परवेश भी नहीं था, ये सारी बातें सीमा पर संदेह पैदा करती हैं। फिलहाल सीमा को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।